हेलो एवरीवन, ग्लोबल स्टार्टअप स्टोरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेशन कार्टून सीरीज की जिसे सभी ने पसंद किया। हम बात करने वाले हैं पोकेमोन की। तो चलिए इसकी सफलता के बारे में हम बात करते हैं। जापान के एक गांव माचिदा टोक्यो में सतोशी तजीरी नाम का एक लड़का रहा करता था जिसे कीड़े मकौड़ों को पकड़ना बहुत अच्छा लगता था और जानवरों से भी बहुत प्यार था। उसके पिता निसान में सेल्समैन थे और उसकी माँ घर की देखभाल किया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था। सतोशी को किताबें पढ़ना, लेसन याद करना कुछ भी नहीं पसंद था। कुछ महीनों के बाद जब सतोशी के पेरेंट्स ने उसका चेकअप करवाया तब पता चला कि उसे एक स्पंज सिंड्रोम नाम की बीमारी थी जिस कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सतोशी के दोस्त उसे डॉक्टर बक कहकर बुलाया करते थे और सतोशी बड़ा होकर एंटोमोलॉजिस्ट बनना चाहता था। धीरे धीरे जापान के शहर और बड़े होने लगे और गांव के पेड़ पौधों और जंगलों को लोग तेजी से काटने लगे जिस कारण गांव के सारे कीड़े मकौड़े तेजी से गायब हो गए। सतोशी इससे काफ़ी दुखी हुआ क्योंकि अब उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी कीड़े मकौड़े नहीं बचे थे। फिर सतोशी के एक दोस्त ने उसे वीडियो गेम खेलने के लिए अपने घर बुलाया। सतोशी को यह वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद आया और उसे जिद करके अपने पेरेंट्स से भी एक वीडियो गेम मंगवा लिया। सतोशी हमेशा अपने घर बैठकर वीडियो गेम खेलने लगा और इस वजह से सतोशी ना तो बाहर किसी से बात करता ना ही कहीं खेलने जाया करता था। इससे सतोशी के पेरेंट्स काफ़ी परेशान और अपसेट रहने लगे। कुछ सालों के बाद सतोशी ने अपनी 2 ईयर प्रोग्राम ग्रेजुएशन टोक्यो नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरी कर ली। सतोशी के पिता चाहते थे कि उनका बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, लेकिन इससे वह सतोशी के भविष्य को लेकर काफ़ी परेशान थे। साल 1981 में जब सतोशी 16 साल का था तब उसने गेम डिज़ाइन कंसेप्ट की प्रतियोगिता को जीत लिया जो कि एक बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी निंटेंडो राइवल सेगा ने स्पॉन्सर्ड करी थी। अगले ही साल सतोशी और उसके दोस्त ने मिलकर एक गेमिंग मैगजीन बनाई, गेम फ्रीक। जल्द ही यह मैगजीन काफ़ी पॉपुलर हो गई। धीरे धीरे सतोशी गेमिंग के बारे में और सीखने लगा और वह उसे बनाने के बारे में प्रयास करने लगा। निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम का हिस्सा बनकर उन्होंने गेमिंग सॉफ्टवेयर को बनाना सीखा। साल 1987 में सतोशी ने अपना पहला गेम लॉन्च किया जिसका नाम क्विंटी रखा। लेकिन सतोशी इतने से ही खुश नहीं था, वह अभी भी इंसेक्ट्स और बग्स को काफ़ी पसंद करता था। वह कुछ ऐसा गेम बनाना चाहता था जिससे वह अपने बचपन के शौक को सभी के सामने ला सके। फिर साल 1990 में सतोशी ने पार्क में गेम बॉयज़ को केबल लिंक की मदद से खेलते हुए देखा। तब उन्होंने यह इमेजिन किया कि क्यों ना इन दोनों बच्चों के बीच में इंसेक्ट्स हों और यह दोनों इसे पकड़ने के लिए फाइट करें जैसा कि वह बचपन में किया करते थे। उन्होंने यह आइडिया निंटेंडो कंपनी को बताया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों को उनका यह आइडिया पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सतोशी की लगन और काबिलियत को देखते हुए कंपनी ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फंडिंग दे दी और उन्हें सारी सुविधाएं भी देने का वादा किया। सतोशी ने अगले 6 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया और शिगेरु मियामोतो की मदद ली जिन्होंने मारियो, द लेजेंड ऑफ जेल्डा, पिकमिन, डोंकी किंग्स जैसी कई गेमिंग सीरीज को तैयार किया था। सतोशी ने इस प्रोजेक्ट का नाम पॉकेट मॉन्स्टर रेड एंड ग्रीन रखा। सतोशी ने इस सीरीज के मेन कैरेक्टर का नाम एश केचम रखा और उसके पहले कॉम्पिटिटर का नाम गैरी ऑक रखा गया। यह गेम जापान में ही नहीं पूरे एशिया में भी बहुत सक्सेसफुल रहा और इस गेम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस गेम पर एक कार्टून सीरीज बनाई गई जिसका नाम पोकेमोन रखा गया। यह सीरीज भी लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ और इसकी अभी तक 13 सीरीज बनाई जा चुकी हैं। 1999 में टाइम्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सतोशी ने बताया कि वह 12 घंटे सोते हैं लेकिन फिर अगले 24 घंटों तक लगातार काम किया करते हैं और इस इरेगुलर शेड्यूल की वजह से ही वह गेमिंग के लिए
न्यू आइडिया सोच पाते हैं। सतोशी का सबसे फेवरेट पोकेमॉन पॉलीवेग है क्योंकि वह उन्हें उनकी बचपन में पकड़े जाने वाले टेटपॉल्स की याद दिलाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ग्लोबल स्टार्टअप स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।